दोस्तों, क्या आप भी अपनी कंपनी में बारकोडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो, कंपनी बिलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो, फास्ट बिलिंग करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो ये वीडियो उन सभी बिजनेसमैन के लिए है जो अपनी कंपनी में बारकोडिंग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, खुद के बारकोड जनरेट करना चाहते हैं, बारकोड लेवल अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं। तो ये वीडियो में हम बताएंगे आपको किस तरह से आप पूरा अपने बिजनेस को बारकोडिंग सिस्टम पे लेके आ सकते हो। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे हमारी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल हम आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प हो, सॉफ्टवेयर पे काम करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले तो आपकी कंपनी ओपन कर लेनी है, जो भी आपके आइटम्स हैं वो यहाँ से आइटम क्रिएट कर लेंगे। अब मैं इसमें सबसे पहले आपको एक बारकोड फॉर्मेट क्रिएट करके बता देता हूँ किस तरह से आप हमारे सॉफ्टवेयर में बारकोड फॉर्मेट क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है, इसमें आपको शो हो जाएगा बारकोडिंग सेटिंग। तो बारकोडिंग सेटिंग में बारकोड कॉन्फ़िगर करके आपको ऑप्शन मिलेगा, बारकोड फॉर्मेट यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। ऑल्ट सी बटन दबा के यहाँ पे आपको बारकोड का नेम दे देना है। एक नेम दिया मैंने बारकोड 65 स्टिकर, क्योंकि मुझे एक सीट पे 65 स्टिकर वाली जो मेरा फॉर्मेट है वो मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक नेम दिया, इसको सेव कर देना। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल बस इस पे क्लिक करना है, अंदर आ जाना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा लेवल टाइप, लेवल टाइप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पैरामीटर बेस, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ वो पैरामीटर बेस पे आप बारकोडिंग सिस्टम करके बताने वाला हूँ। ओके, और यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करना है तो आप थंबनेल पे नंबर है, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमने दे रखा है, आप वहां से हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हम आपको इसका लाइव डेमो भी आपके सिस्टम पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर बेस सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको सिलेक्टेड सी टाइप में प्रीडिफाइन आपको सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पे 65 स्टिकर वाला फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेरी जो सीट रहेगी वो 65 स्टिकर वाली है। यहाँ पे मीटर, देन आपको यदि कोई प्रिंटर है तो इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको उस प्रिंटर का सेटअप शो हो जाएगा, आपको सिंपली बस उसको सिलेक्ट कर लेना है। इससे होगा ये कि जब भी अपन इस वाले फॉर्मेट की कमांड देंगे उसी वाले प्रिंटर पे वो प्रिंट होके आएगा। तो बाकी सबको आपको एज इट इज रखना है, इस पे किसी पे आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाना है आपको डिजाइन में, डिजाइन वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे लेबल को डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए डेटा फील्ड हम डाल देते हैं, इसको सेंटर में करेंगे कंपनी नेम, यहाँ से हम इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और प्लस इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। सेकंड फील्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं आइटम नेम का, ओके, तो थोड़ा सा इस पे मैच कर देते हैं, इसे भी हम सेंटर में ले लेंगे और साइज बढ़ा देते हैं, वो बढ़ा देते हैं 7। नेक्स्ट हम एक और फील्ड लेंगे, इसे हम बनाएंगे बारकोड, और ये जाएगा हमारा UBC नंबर। ओके, ये ध्यान देना है, अगर हम पैरामीटर के अंदर से बारकोड को पिक करना है तो यहाँ पे आपको UBC सेलेक्ट करना है, कैप्शन यस कर देना है, जिससे कि आपका बारकोड नंबर वहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट दो फील्ड और लेंगे हम, एक और दो, इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं, एम्बॉल्ड, यहाँ लेंगे हम पैरामीटर सेल्स प्राइस, ओनली पैरामीटर सेल्स प्राइस 1 लेंगे, जिससे कि जो पैरामीटर के अंदर जो सेल प्राइस हम डालेंगे वो बारकोड पे प्रिंट होके आ जाएगा, और इसमें हम लेंगे पैरामीटर वैल्यू 1, ये FG1 नहीं लेना है, पैरामीटर वैल्यू 1 लेना है, क्योंकि हमने जो साइज वगैरह हम डालते हैं वो पैरामीटर 1 में डालते हैं। अगर इसमें भी कुछ साइज़ वगैरह आपको चेंज करनी है फॉन्ट की तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं करनी है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। इसके अलावा भी कई, अगर आपको कोई और भी फील्ड चाहिए तो यहाँ से आप वो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट आएगा, वो यहाँ पे इसका प्रीव्यू बता देता है पहले, तो अब देख लेना है पे। तो ऊपर तो आपका कंपनी नेम आ गया, फिर आइटम नेम, फिर बारकोड, यहाँ पे इसके बारकोड नंबर भी शो हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे फिर आपको सेल प्राइस आएगी और यहाँ पे साइज आ जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो हमारा बारकोड फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं परचेज में, इन्वेंट्री करते हैं। तो परचेज में आप जैसे ही इन्वेंट्री करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशंस होती है, जैसे कोई एक परचेज ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास इस तरह के आइटम्स है, कुछ आइटम जैसे फूड ऑयल हो गया या फिर फेस क्रीम हो गया, तो इसमें क्या दो कंडीशन होती है, कुछ आइटम ऐसे हैं मेरे पास जिनके ऑलरेडी बारकोड हैं उन प्रोडक्ट पे, तो मुझे उनके बारकोड नहीं निकालने और जो कंपनी का बारकोड आया है उसी बारकोड को मैं यूज़ कर लूँ, तो वो वाला सिस्टम भी मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह से करेंगे। प्लस आप खुद के बारकोड भी कैसे जनरेट करेंगे, जिन प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं है उन पे आप खुद के बारकोड कैसे
लगाओगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो दोनों चीज़ें आपको देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इसमें होगा क्या कि जैसे आपकी फेस क्रीम हो गई, कोई से भी प्रोडक्ट हो, फेस क्रीम आपका मार्केट से यदि जो भी ग्रोसरी के आइटम आते हैं, फेस क्रीम में आपके बारकोड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे बारकोड आते हैं। आप चाहते हो कि मेरा जो मार्केट से या कंपनी से जो भी बारकोड आया है उसी बारकोड को मैं इसमें यूज़ कर लूँ, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। उसके लिए करना क्या है, जैसे मैंने एक फेस क्रीम सेलेक्ट की, मान लीजिए 12 पीस मैंने इसके परचेस किए, 12 पीस यहाँ सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे पीसेस पे, तो आपके सामने इस तरह से एक पैरामीटर वाली विंडो अपेयर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली बस इस वाले फेस क्रीम की साइज़ बता देनी है। इस मान लीजिए ये 9 ग्राम्स की है, तो आपने यहाँ पर 9 ग्राम्स लिख दिए। ओके, उसके बाद आप इसकी प्राइजेज यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे 150 की है तो 150 डाल दिए, देन एंटर करना है, एंटर। अब यहाँ पे जो ये बारकोड आ रहा है, ये बारकोड आपको नहीं चाहिए, बल्कि वो वाले बारकोड चाहिए जो प्रोडक्ट के ऊपर है। तो आपको बस यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे एरो लेके आना है और स्कैन कर देना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो वो जो बारकोड वहाँ पे पहले से जनरेट होकर आए थे, वो बारकोड अब चेंज हो चुके हैं, जो आपने स्कैन किए वो वाले बारकोड यहाँ पे आ जाएगा। बस फिनिश। यहाँ पे आपको इसकी परचेज रेट डाल देनी है, कितने में आपने परचेज किया, वो प्राइस आपने यहाँ डाली, एंटर एंटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे फूड ऑयल ले लेते हैं। फूड ऑयल के अंदर भी हमारे पास बारकोड आता है, मैक्सिमम फूड ऑयल पे आपको बारकोड मिलेंगे। जितने भी आपने फूड ऑयल परचेज किए वो फूड ऑयल की क्वांटिटी डालेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप चाहो तो अपने हिसाब से उस फूड ऑयल की एक साइज़ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। 5 लीटर का है तो 5 लीटर यहाँ पे डालेंगे, एंटर एंटर। 5 लीटर सेलेक्ट किया, क्या प्राइस आई है वो प्राइस आपको यहाँ डालनी है, किस प्राइस में आप सेल करोगे वो प्राइस डालनी है, देन यहाँ पे वो वाले बारकोड स्कैन कर देना है। वो बारकोड आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और सिंपल बस ओके कर देना है, प्राइस डाल देनी है। इस तरह से तो हमारे वो आइटम एंटर हो जाएंगे जिन पे ऑलरेडी बारकोड है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि यदि हमारे खुद के ही बारकोड हमें जनरेट करने हैं तो उसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको बस सिंपली यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक जींस लिए, 5 पीस आई है, 5 पीसों की जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, सेल प्राइस बतानी है। तो इसमें तो आपको कुछ करना है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे बारकोड जनरेट होके आ गया, बस सिंपली ओके कर देना है और यहाँ पे प्राइस डालनी है, जो भी इसकी परचेज प्राइस है प्राइस डाल देनी है, ओके कर देना है। ऐसे कोई और भी आइटम है जिन पे बारकोड नहीं है तो वो बारकोड वो वाला आइटम भी यहाँ पे सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली, साइज़ डाली, सेल्स प्राइस बतानी है, देन ओके और परचेज प्राइस डाल देनी है। ओके, तो इस तरह से हमारे पूरा जितने भी आइटम्स हैं वो आपको इस तरह से एंटर करने हैं। अब सिंपल बस यहाँ पे F2 कर देना है। तो अब अगर आपकी इस पे GST लग रही है तो यहाँ पे अप्लाई GST पे क्लिक करेंगे तो इन पे GST अप्लाई हो जाएगा, जो जो भी जिन जिन आइटम पे जितना जितना परसेंट GST होगा, जैसे 5% और 12% के इसमें आइटम है, तो दोनों जो GST है वो यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देन आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको ये प्रिंटिंग के लिए पूछेगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको वो बारकोड फॉर्मेट शो हो जाएगा। यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो भी आइटम्स हैं वो सब यहाँ पे आपको शो होगा, क्वांटिटी प्लस उसके आइटम का नेम। ओके, अब कुछ आइटम ऐसे हैं जिनके बारकोड हमें निकालने नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको पैरामीटर क्वांटिटी पे उसको 0 कर देना है। जैसे फर्स्ट अपना आइटम फेस क्रीम हो गया, फूड ऑयल हो गया, फूड ऑयल और फेस क्रीम दोनों पे हमारे बारकोड है, तो मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ। बाकी के इन दोनों के बारकोड मुझे निकालने हैं, तो इन दोनों को मुझे जो क्वांटिटी डिफॉल्टेड आई है बस वही रखना है। जैसे हम ट्रू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास हमारे सामने वो जो बारकोड है वो आ जाएगा। सबसे पहले आपकी कंपनी नेम, आइटम नेम, फिर बारकोड, इसका बारकोड का जो कोड है वो आ जाएगा, आपकी सेल प्राइस प्लस इधर आपको साइज शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक स्टिकर प्रिंट होकर आ जाएगा आपके प्रिंटर से, वो आप अपने प्रोडक्ट पे लगाना, और जब हम सेल करेंगे तो सिंपली बस आपको ये वाला बारकोड वहाँ पे स्कैन करना है। जैसे कि अभी मेरे पास स्कैनर है नहीं, तो मैं आपको डायरेक्ट ये वाले कोड वहाँ पे डाल के बता देता हूँ, 1000। अभी हम सेल में जाते हैं, सेल पे ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको वो बारकोड स्कैन कर, जैसे स्कैन करेंगे वो बारकोड का जो भी आइटम है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस उसकी रेंट पे साथ में आ जाएगी। तो इस तरह से जैसे आप स्कैन करते जाओगे ऑटोमेटिक उसकी रेंट भी आती रहेगी और आपका बिलिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा,
इससे वर्कलोड है, आपकी बिलिंग है वो काफ़ी फास्ट होगी और आप कम टाइम में ज़्यादा बिलिंग कर पाओगे और आपका सिस्टमेटिक काम होगा, इसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होंगे क्योंकि आपका जो बारकोड सिस्टम है वही एक ऐसा सिस्टम होगा कि जिससे ही आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, आपकी इन्वेंट्रीज मैनेज कर पाओगे और प्लस आपका स्टॉक भी एक्यूरेट रहेगा, आपको स्टॉक में भी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। मैं इसको सेव करके भी आपको बता देता हूँ इसकी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आपको ये सेटलमेंट डिटेल पूछेगा, सेटलमेंट डिटेल के लिए आप यहाँ पे कैसे पेमेंट कर रहा है कस्टमर वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट करके ये स्लिप भी दे सकते हैं, तो ये स्लिप आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करवा सकते हो और ये पॉस प्रिंटर से इस तरह से आपको एक स्लिप निकल जाएगी, वो आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक रिपोर्ट में जिसमें कि हम आपको बताएंगे बारकोड राइज आपका सिस्टम। तो यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाना है, इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर स्टॉक स्टेटस में मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ कौन कौन से आइटम आपने परचेज किए थे और कितना स्टॉक में आपका रखा है। तो ये देखिए डिटेल में आपकी जो भी फेस क्रीम थी 12 पीसेज अपन ने परचेज किए थे, तो 12 पीसेज ये अपने पास रखे हुए हैं। नेक्स्ट फूड ऑयल था, फूड ऑयल भी अपने पास वही रखा है सेम, ओके, क्योंकि हमने सेल नहीं किया था तो वो 00 ही आ रहा है। अब जींस हमने एक सेल करी थी, जो हमने बारकोड वहाँ पे स्कैन किया था जींस और टी शर्ट का किया था ओनली, तो जींस और टी शर्ट यहाँ पे 11 पीस आउट हो रही है। आप चाहो तो यहीं से आप एंटर करके भी देख पाओगे कि कहाँ से अपन ने परचेस किए, कितने पीस परचेस किए थे और कितने पीस आउट हुए और किसको गए। अब अगर यदि आपको बारकोडिंग वाइज पूरा स्टॉक देखना है तो यहाँ पे आप बारकोड रिपोर्ट में जाएंगे, बारकोड स्टॉक डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर बारकोड भी सर्च करने को मिलेगा और जितनी भी आपके बारकोड वैल्यू रहे, जितना भी स्टॉक है बारकोड वाइज वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको हर एक बारकोड नंबर वाइज स्टॉक यहाँ पे शो होगा, ठीक है, उसके साथ उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे शो होगी आपको कि जो पैरामीटर वैल्यू आपने डाल रखी है वो और बारकोड नंबर वाइज पूरा स्टॉक आपको यहाँ पे क्लोजिंग शो हो जाएगा। तो इससे हर एक पीस का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, जिन जिन पे अगर बारकोड लग चुका है तो उसका बारकोड अगर आपसे मिस हो रहा है कहीं पे तो आपको वो सिस्टम पे बोलेगा ही बोलेगा, जब तक आप उसको स्कैन करके आउट नहीं कर देते वो आपके सिस्टम में ही रहेगा। इससे आपको ये पता रहेगा कि कितना आपका स्टॉक लॉस्ट हो रहा है और आप अपने स्टॉक को और भी अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका लाइव डेमो चाहिए तो आप हमारे थंबल्स पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे लाइव डेमो ले सकते हैं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, थैंक यू।